Good morning, student. I hope you are fit and fine at your home and you are doing your homework regularly and properly. Please listen carefully and try to understand lesson second. हम first lesson complete कर चुके हैं और second lesson का one part भी कर चुके हैं. सेकेंड लेसन के वन पार्ट में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि अर्थ की जो थ्री लेयर हैं कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, किन किन मिनरल से वो बनी हुई हैं, कितनी वो डीप हैं और जो हमारी रॉक्स हैं वो कितने टाइप्स की हैं. थ्री टाइप रॉक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक. और आज हम कर रहे हैं कि रॉक्स हमारे लिए कितनी यूजफुल हैं या हमारे किस काम आती हैं. आज हम लेसन सेकंड का नेक्स्ट पार्ट रीड करने जा रहे हैं. लिसन केयरफुली. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. जो रॉक्स हैं हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं. द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स. जो रॉक्स हैं हार्ड रॉक्स भी हैं और सॉफ्ट रॉक्स भी हैं. हार्ड रॉक्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. जो हम घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं या इमारतें बनाते हैं उनमें हम हार्ड रॉक्स का यूज करते हैं. यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स. आप कई बार जो गेम्स खेलते हैं उनमें भी छोटे छोटे स्टोन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए सेवन स्टोन, जैसे कभी आपने पिट्ठू खेला होगा, होप स्कॉच, या आपने किटकिट खेला होगा, या फाइव स्टोन्स जो गिट्टे होते हैं छोटे छोटे स्टोन के, वो सब क्या हमारे गेम्स हैं. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स. इस तरह के आप और गेम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे पूछकर, आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स. किसी पड़ोसी से, अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से पूछकर हम पुराने टाइम पे जो गेम खेले जाते थे किसके द्वारा, छोटे छोटे रॉक्स के, पत्थरों के द्वारा जो हम गेम्स खेलते थे. ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज रेड फोर्ट मोन्यूमेंट्स एंड ताजमहल मोन्यूमेंट्स. तो हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा रेड फोर्ट है ये किस प्रकार की रॉक से बना हुआ है. तो रेड फोर्ट इज मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन. और जो हमारा ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से. ये किससे बनते हैं, रॉक से ही बनते हैं. जो व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन है ये हमारे रॉक से ही बनी हुई, चट्टानों से ही बनी हुई है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर्स. तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक टाइप की रॉक से दूसरी टाइप की रॉक से बन जाती है, कि कैसे कुछ सर्टेन कंडीशन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वन टाइप रॉक से सेकेंड टाइप रॉक से बन जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को जिससे एक रॉक का दूसरी रॉक्स में परिवर्तन होना या बदल जाना रॉक साइकिल कहलाता है, यानी कि सेल चक्कर जिसको हम बोल सकते हैं. रॉक साइकिल, सेल चक्कर. यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो हमारे इग्नियस रॉक के बारे में, कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है. जैसा हमने बताया था वोल्केनोज के द्वारा, जब हमारा वार्म या मोल्टन मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी पर और वहाँ का टेम्परेचर कम होने पर वो वहाँ पर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और वहाँ क्या बन जाती है, इग्नियस रॉक. वो किस टाइप की इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव. जब वो पृथ्वी के अंदर ही जहाँ टेम्परेचर कम होता है ये मोल्टन मैग्मा वहाँ ठंडा होकर जमा हो जाता है और किस प्रकार की रॉक्स बन जाती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स. ओके, ये किसकी टाइप थी, इग्नियस रॉक की. ऐसे ही इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक. इस तरह से जो ठंडी होने पर कठोर बन जाते हैं इग्नियस रॉक के रूप में. दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल. जब ये रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं एंड आर ट्रांसपोर्टेड दैट डिपोजिट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. कहीं टूट कर, कहीं ट्रांसफर होके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर डिपोजिट हो जाते हैं और वे किस रॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं, सेडिमेंट्री. इग्नियस से कौन सी
रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, ये हम पहले भी समझा चुके हैं कि कैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो चेंज हो जाती हैं, किसके कारण, प्रेशर और हीट के कारण। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है या ज़्यादा प्रेशर होता है तो उससे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो दोबारा से मोल्टन मैग्मा में बदल जाती हैं। तो इसी तरह की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कह सकते हैं। ये जो हमारा साइड में पिक्चर दे रखी है, ये हमारी रॉक साइकिल की पिक्चर है। स्टार्टिंग में हम मैग्मा को देखते हैं जो रेड कलर में हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, और इससे फिर सेकंड इग्नियस रॉक जो बना रखी है, फिर इग्नियस से सेडिमेंट्री से फिर इसमें बदलाव होता है टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, फिर इसमें क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक से दोबारा ये मैग्मे का रूप धारण कर सकते हैं। तो ये हमारा जो साइकिल है, ये हमारा क्या है, रॉक साइकिल है। ओके स्टूडेंट्स, रॉक्स आर मेड अप डिफरेंट मिनरल्स, जो हमारी रॉक्स है किससे बनती हैं, अलग अलग मिनरल्स से। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकेरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स है वो हमारा प्राकृतिक, कुछ उनका निश्चित प्राकृतिक गुण होते हैं, कुछ में रासायनिक गुण होते हैं, कुछ में भौतिक गुण होते हैं, जैसे फिजिकली फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ में केमिकल कंपोजिशन, या आप जैसे साइंस में समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन से दूसरा क्या बन सकता है, केमिकल कंपोजिशन बनता है। इसी तरह से हमारी मिनरल्स के अंदर भी अलग अलग प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। सम आर यूज टू एज फ्यूल, कुछ मिनरल्स को तो हम फ्यूल्स के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। आप सब जानते हैं पेट्रोलियम क्या है, हमारा मिनरल है, कोयला भी हमारा क्या है, मिनरल है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसका हम इंडस्ट्रीज या उद्योगों में यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर। और कुछ मिनरल्स हैं जिसका हम दवाइयों में भी यूज कर रहे हैं और फर्टिलाइजर्स, यानी कि अपनी जमीन में उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइजर के रूप में हम कुछ मिनरल्स का यूज कर रहे हैं। सो मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन, तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं। सो आई होप आपने अच्छी तरह से लेसन को समझा होगा। सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जैसे व्हाट इज रॉक साइकिल, व्हाट इज मिनरल एंड What type of rocks and how many layers of the earth? तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आशा है कि आप जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।